ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। प्रदेश संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने केंद्रीय बजट को निराशाजनक बताया है। मोदी सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट पर संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बजट पूरी तरह से निराशाजनक है। बजट में जनता को कुछ भी राहत नहीं दी गई है। इसमें गरीबी व महंगाई कम करने के लिए किसी प्रकार का प्रयास नहीं किया गया है। बजट में सीनियर सिटीजन को मिलने वाली सुविधा बहाली के लिए भी कुछ नहीं किया गया है। मोदी सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया गया आम बजट जनता को निराश करने वाला है। इस बजट में ऐसा कुछ भी नहीं है जो लोगों को राहत दे। ऐसा लगता है कि यह बजट ज़्यादा कमाई वालों के लिए बनाया गया बजट है। इस बजट में गरीबों के लिए कुछ नहीं है। महंगाई कम करने के लिए क्या प्रयास किए जाएंगे, इस बजट में कुछ भी नहीं है। रोजगार के नए अवसर कैसे पैदा होंगे, हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा, इस बजट में कुछ नहीं है। किसानों की आय दोगुनी करने के बारे में बजट में कुछ भी नहीं है। किसानों कृषि की लागत आधी करना है, मूल्य उनको दोगुना मिलेगा, इसके बारे में बजट में कहीं भी कुछ भी नहीं है। रेलवे में जो सीनियर सिटीजन को सुविधाएं मिलती थी उसको बंद कर दिया था, उसकी बहाली के बारे में इस बजट में कुछ भी नहीं है। यह बजट पूरी तरीके से भ्रम फैलाने वाला है। 7 लाख तक के इनकम टैक्स की छूट में छूट का स्लैब दिया गया है, लेकिन 7 लाख के इनकम टैक्स की छूट जो लेंगे उनको विभिन्न प्रकार की जो छूट मिलती थी गृह ऋण में, हेल्थ इंश्योरेंस में, LIC में, उन तमाम छूट को इसमें समाहित कर दिया गया है। तो यह बजट लोगों को ठगने वाला है, यह बजट भ्रम फैलाने वाला है। इस बजट ने देश की जनता को निराश किया है। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।